अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, आज सुबह के 9 बजे हैं, फिर भी इतनी सर्दी है माशाल्लाह से। अब लग रही है सच में सर्दी पड़ रही है। हरियाणा की सर्दी ऐसी होती है कि आगे का कोई दिखता ही नहीं। और अच्छी सर्दी के मौसम में ऐसा वेदर होता है, सारा दिन ऐसा होता है, दिन और रात ऐसी ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो एक बार आप सभी मेरे साउथ के जो व्यूअर्स हैं उन सभी को एक बार दिखा दो हरियाणा की ठंड कैसी होती है। और इसीलिए मैंने सुबह सुबह वीडियो बना रही थी, तो देख लीजिए कैसा वेदर है। बहुत ही फॉगी वेदर है और सारा दिन ऐसी था। ये हमारे मुंडी में कपड़े सूख रहे हैं, तो इग्नोर इट। तो यहाँ से भी थोड़ा सा व्यू दिखाऊं। यहाँ मैंने इसको डोर ओपन करके यहाँ पर हमने प्लांट्स को पानी देती हूँ। अब हम नीचे आ गए हैं। फराज सुबह उसके पापा जाते वक्त अपने पापा से चॉकलेट्स खरीदवा कर और लेके आया है। मन्हा के लिए जब भी ये कुछ भी लेता है, सामने ही छोटी सी शॉप है हमारे पास, हमारे घर के सामने ही, तो वहाँ से ये चॉकलेट्स लेके आता है। जब भी लेता है, मन्हा के लिए लेता है और ख़ुद के लिए, दोनों चॉकलेट्स लेता है। तो ये सुबह तो जल्दी उठता है, बस थोड़ा सा मस्ती कर रहा था ब्लैंकेट में सो के। फिर ये हमेशा ऐसे बैठता था, मैं भी जब छोटी थी बचपन में मम्मी के साथ ही रहती थी, कुकिंग के पास हो चाहे जो भी काम करना है। तो ये फिर फ्रेश हो गए हैं ब्रेकफास्ट करने से पहले, थोड़ा सा ये एक्सरसाइज करेंगे। तो ये वीडियो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना। तो हमारे बच्चे इसे एंजॉय करते हैं पूरी दिन, बहुत ज़्यादा एनर्जी से रहते हैं हमेशा। थक गए काफ़ी देर से कर रहे थे। हमारा ब्रेकफास्ट एंड लंच हो गया है। इवनिंग में मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, सोचा आपसे शेयर करूं। मैंने एक पिज़्ज़ा बेस ली है और यहाँ पर रेड बेल पेपर कट कर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं, और ये येलो बेल पेपर्स हैं, और ये है ऑनियन, और ये मैंने लिया है फन फूड्स का पिज़्ज़ा टॉपिंग, और ये है अमूल डाइसड चीज़ है ये, तो डाइस ऑलरेडी डाइसड किया हुआ है, जस्ट स्प्रेड करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने पहले पिज़्ज़ा बेस ले लिया है, इस पर हम स्प्रेड कर लेंगे सारी टॉपिंग। अच्छे से टॉपिंग करनी है, मैं एंड्स में भी अच्छे से, राउंड कॉर्नर्स में भी अच्छे से लगा दे स्प्रेड कर देती हूँ ताकि फीका ना लगे। तो मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारे बच्चे खाते नहीं, जैसे कि ओरिगानो होता है और चिली फ्लेक्स, ये मैंने दो डालनी थी। तो ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ कोई भी स्पाइसेस। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चीज़, बहुत सारा चीज़ डालेंगे। उसके बाद हम सारी जो भी चॉप कर रखा है वेजिस उसको हम टॉपिंग करेंगे।
तो मैं ये पिज़्ज़ा सरप्राइज़ कर रही हूँ बच्चों के लिए, वो यहाँ होमवर्क कर रहे हैं अपना, उसके बाद मैं पिज़्ज़ा दूंगी सोचिए। लेकिन क्या हुआ आप देखो, TEEN तो हमारी पिज़्ज़ा बन चुकी है, तो इसको मैं कटिंग करूँगी और फिर बच्चों को खिलाऊँगी। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था आप सभी से कि मैं जो सुविधा में शॉपिंग की थी बच्चों के विंटर वेयर्स लिए थे वो मैं दिखाऊंगी कह रही थी, तो वो इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। क्या आ गया? मैं चेक कर रहा था। अच्छा, सरप्राइज ठीक लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। तो क्या लिखना है? लो, चलो पहले खा लो फिर दिखूंगा। तो ये रहा मन्हा के जो हमने शॉपिंग किया था ना, तो ये मन्हा का स्वेटशर्ट है और ये मन्हा की जैकेट है। इसको ये मिलिट्री वाली लुक की बहुत पसंद है, तो इसीलिए हमने ये वाला लिया है। और ये एक मन्हा की ट्राउज़र और एक फराज के लिए ट्राउज़र लिया था। ये भी मन्हा की स्वेटशर्ट है हुड में। ये कलर इसके पास एक भी नहीं था तो मुझे अच्छा लगा, ये वाला ले लिया है। और ये फराज की जैकेट है, उसको हाफ स्लीव्स पसंद है, उसको एक भी नहीं था तो इस बार मैंने वो वाला ले लिया है। उसको जैसे कि ज़्यादा हेवी पहनना पसंद नहीं, चाहे विंटर हो कुछ भी हो, विंटर में भी ये बहुत ही लाइट कपड़े पहनना बहुत पसंद करता है उस, तो इसीलिए मैं इस बार स्लीवलेस वाली ले ली है जैकेट। कैप इसकी बहुत प्यारी लगी, जैसे कि ये डक की लुक आती है। ये फराज की है जैकेट हुड में, और ये जो फर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑलिव कलर में है। तो ये रहा छोटा सा व्लॉग हमारा, और कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को यार ज़रूर लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलती हूँ, अल्लाह।